सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को आप कैसे इजीली पढ़ सकती हो, किस किस पैरामीटर का आपको ध्यान में रखना होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और गाइस देखिए, ये जो टेस्ट है ये प्रेगनेंसी को सबसे जल्दी पता करने का सबसे ऑथेंटिक सबसे एडवांस टेस्ट है। लेकिन बात वही है कि ये जो टेस्ट है ये उस अंधेरे कमरे में पड़े दिए के समान है जो कि पूरे अंधेरे कमरे में रोशनी फैलाने का काम तो करता ही है, लेकिन इस दिए के नीचे भी कुछ अंधेरा रहता है। तो इसमें कुछ खामी भी है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करती हैं। सो गाइस देखिए, इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ आप बीटा एसीजी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देखना तो 100% समझ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का भी पता होना चाहिए। और काफ़ी क्वायरीज आती हैं इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली क्वायरीज तो यही है कि सर इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, इसके चार्जेस क्या हैं। सो इस टेस्ट के जो चार्जेस हैं गाइस वो सिटी टू सिटी वेरी करती हैं, ठीक। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता में अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर इस टेस्ट के जो चार्जेस हैं स्टैंडर्ड पैथोलॉजिस्ट के, जैसे डॉक्टर लाल पैथ या फिर थायरो केयर, इनके जो चार्जेस हैं वो 650 रुपये हैं, ठीक है। या फिर अगर आपकी सिटी में कोई रजिस्टर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं तो वो आपका जो ये टेस्ट है वो 400 से 450 के अराउंड कर सकते हैं। दूसरी क्वायरीज होती है कि क्या इस टेस्ट को कराने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। तो वेल, इस टेस्ट को कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी मर्जी से ये टेस्ट करवा सकते हैं। तीसरी क्वायरीज़ क्या है कि ये टेस्ट कब कराना चाहिए, और ये क्वायरी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं उनको ये जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है क्या उन्होंने कंसीव किया है कि नहीं किया, और जिस दिन उन्होंने रिलेशन बनाया उसके एग्जैक्ट अगले दिन ही जाके वो टेस्ट ये करवा लाते हैं, क्योंकि एडवांस टेस्ट है, ऑथेंटिक टेस्ट है, तो उनको रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो वेल, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इस टेस्ट को कराने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो कंसेप्शन डे के 8 से 11 दिन के अराउंड होता है। और अगर आप मेरी माने तो कंसेप्शन डे के 11 दिन के बाद अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि गलत नहीं होगा। कंसेप्शन डे क्या होता है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो वीडियो आप देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कंसेप्शन डे के रिगार्डिंग जो भी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगली क्वायरी होती है कि सबसे बेस्ट लेबोरेटरी इंडिया में कौन सी है। तो गाइस देखिए, सबसे बेस्ट लेबोरेटरी जहाँ से आप ये टेस्ट करवा सकते हो वो डॉक्टर लाल पैथ की है या थायरो केयर की है, या फिर आपके जो शहर में कोई भी रजिस्टर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं वहाँ से आप ये टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। कोई भी रजिस्टर्ड पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, और अगर आपके शहर में नहीं है तो फिर वो आपका जो सैंपल है वो डॉक्टर लाल पैथ के पास भेज सकते हैं दिल्ली में, या फिर थायरो केयर के पास भेज सकते हैं। और फिर यहीं से क्वायरी निकल के आती है कि सर जो बीटा एसीजी की टेस्ट रिपोर्ट है वो कितने टाइम बाद मिलती है। तो अगर आपके शहर में पैथोलॉजिस्ट हैं तो वो आपको विद इन 1 घंटे में आपको ये रिपोर्ट दे देंगे, और अगर आपके शहर से बाहर जाती है तो फिर आपको 24 से 72 घंटे का टाइम का वेट करना चाहिए, ठीक है। और एक बात और है, अगर आपके शहर से ये ब्लड सैंपल जा रहा है बाहर तो फिर आप लैब में पहले पता कर लेना कि उनका कलेक्शन टाइम कब है, मतलब वो सैंपल कब भेजते हैं। तो जब भी वो सैंपल भेजें तो उसके 1 या 1.5 घंटे पहले आप अपना सैंपल देके आ सकते हैं। और सैंपल में क्या करना होता है, कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सीधा आपका ब्लड का सैंपल देंगे, खाली पेट रहना, खाना खाना, इसकी कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वायरीज थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब डायरेक्ट ही मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपको रिपोर्ट कैसे देखनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये डॉक्टर लाल पैथ की सीरम बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। अब आप ये मत पूछना कि सर ये लेबल क्यों लगाया है अपनी,
वेल पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना भी गाइस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए इसको लेबल किया है। ठीक है, टेस्ट नेम के बाद यहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं जो कि इस टाइम 2 से कम है। ये इसकी यूनिट है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, और ये इनकी रेफरेंस रेंज है जो कि 10 से कम होनी चाहिए तो टेस्ट नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव है। नेगेटिव कब माना जाता है? जब बीटा एसीजी की जो रिपोर्ट है उसमें जो रेंज है वो नेगेटिव हो। अब जो ब्लड टेस्ट हैं गाइस ये दो टाइप के होते हैं, एसीजी ब्लड टेस्ट। फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव, सेकंड होता है क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है ये हमारा यही टेस्ट है, इसमें आपको वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव एससीजी टेस्ट होता है इसमें आपको ओनली पॉजिटिव नेगेटिव दिया होता है। अब पॉजिटिव का माना जाता है जब बीटा एसीजी की वैल्यू 25 या 25 से ज़्यादा होती है, और नेगेटिव जब 10 या 10 से कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर 11 से 24 के बीच में आ जाए तो एसीजी की वैल्यू अगर 11 से 24 मिली इंटरनेशनल यूनिट आ जाए तो क्या करना है? तो इसको देखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब इस टाइप में ना बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, जैसे पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको करने के लिए, देखने के लिए कि क्या है, तो वो आप वीडियो को देखते रहें आप समझ जाएंगे। देखिए जब हम लोग बीटा एसीजी टेस्ट करवाते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, जैसे कंसेप्शन डे मैंने आपको बताया, ठीक है। कंसेप्शन डे के 8 से 11 दिन के अराउंड आपको एसीजी टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। तो डे 14th पर एसीजी की वैल्यू अगर 100 या 100 से ज़्यादा आती है तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ठीक है। अगर 100 से कम आती है तो ये माना जाता है कि या तो पेशेंट ने कंसीव नहीं किया, या जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो केमिकल प्रेगनेंसी के कारण है, या जो मेडिसिन दी है डॉक्टर ने आपको उसके कारण, या अंदर किसी प्रकार की सिस्ट हो सकती है, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बारी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया जाता है तो फिर डॉक्टर आपको एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं। अब एचसीजी का इंजेक्शन वही हार्मोन है जो कि इस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब एचसीजी का इंजेक्शन कंसीव करने के लिए देते हैं जब किसी को प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, ठीक है ना। और एचसीजी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। अगर कंसेप्शन डे के डे 14th तक अगर पेशेंट की 100 वैल्यू नहीं होती है, तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा होती है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है। आगे अगर सब कुछ सही चल रहा होता है, ठीक है, तो मोस्टली डॉक्टर आपको दोबारा से एससीजी का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। और अगर केमिकल प्रेगनेंसी होती है या फिर एप्टोपिक प्रेगनेंसी है या कोई अदर इश्यूज हैं, तो आप एक और मेथड है उसके थ्रू अगर आप ये टेस्ट करवाते हो, उन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हो, तो आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एससीजी की वैल्यू 1200 तक होती है, 1200 तक पहुंचती है मिली इंटरनेशनल यूनिट, तो इसकी जो वैल्यू है ये डबल हो जाती है। कितने टाइम में? 36 से 72 घंटे में, ठीक है। उसके बाद 1200 से 6000 मिली इंटरनेशनल यूनिट डबल हो जाती है
72 से 96 मतलब 3 से 4 दिन में। उसके बाद 6000 से ज़्यादा डबल होगी 4 दिन से ज़्यादा में, ठीक है। अब इस आंकड़ों के हिसाब से आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो जैसा मैंने आपको बताया कि बीटा एसीजी की वैल्यू 11 से 24 के बीच में है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं 0 से 1200 मिली इंटरनेशनल यूनिट, ये 72 घंटे में डबल होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी को 18 वैल्यू आई जब आपने टेस्ट करवाया, तो आप 72 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 36 होनी चाहिए ना 72 घंटे में, लेकिन अगर वैल्यू इतनी की इतनी ही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी के, हार्मोनल इश्यूज रहेंगे या किसी प्रकार की सिस्ट हो सकती है अंदर, पीसीओडी हो सकता है, पीसीओडी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं, ठीक है। अगर 18 से कम हो गया एकदम से, तो केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है पेशेंट को, या फिर किसी ने अगर अबॉर्शन पिल्स ली हैं तो फिर वैल्यूज़ कम हो सकती हैं। तो ऐसे आप आइडिया ले सकते हो इस टेस्ट के थ्रू। सेम ऐसे ही अगर आपने कंसेप्शन डे के 18वें दिन टेस्ट करवाया, उसमें आपको 600 वैल्यू आ जाती है, उसके बाद अगर ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, सपोज करें कि ये जो 600 वैल्यूज़ थी और 600 के हिसाब से 72 घंटे में ये डबल होनी चाहिए, मतलब 1200 होनी चाहिए ना, तो 21वें दिन अगर आप ये टेस्ट करवा रहे हो और आपको ये वैल्यू 1200 की जगह 2000 हो जाती है, तो इसके एकदम से ज़्यादा बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट कारण है मोलर प्रेगनेंसी, सेकंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, थर्ड कैंसर सेल, फोर्थ ट्यूमर, डाउन सिंड्रोम, ये बच्चों में होती है प्रॉब्लम, 6 बच्चे का जो डीएनए स्ट्रक्चर है या फिर बच्चे में क्रोमोसोम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो बीटा एसीजी की वैल्यू है सामान्य से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21वें दिन अगर 1200 है 1100 है इसके अराउंड है, तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये सब देखने के लिए कि भाई सब कुछ बेटर चल रहा है, तो हम क्या बारी बारी टेस्ट करवाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बारी बारी टेस्ट भी नहीं करवाना है। जो बीटा एसीजी का टेस्ट है गाइज, ये सिर्फ हमें क्ल्यू देता है कि अंदर सब कुछ सही है, लेकिन कब तक? तो अगर बीटा एसीजी की वैल्यू आपको 1500 से 2000 तक मिल जाती है, तो फिर आप TVS करवाओ, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है। ये उनके लिए है जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको जिन्होंने IUI करवाया है या IVF करवाया है, ठीक है। वो 14th डे पर आपको बीटा एसीजी के लिए बोलेंगे, जो अभी आपके डॉक्टर हैं। फिर जब एसीजी की वैल्यू 1500 से 2000 तक पहुंच जाएगी, तो फिर TVS करवा सकते हैं, ठीक है। अगर TVS नहीं करवाना, तो ये जो वैल्यूज हैं ये डबल हो जाएंगी 4 दिन में, तो फिर आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए। जब वैल्यूज 4500 से 6000 तक पहुंच जाए, तो फिर आप नॉर्मल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है। पेट के ऊपर से होगा, वजाइनली आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं? वेल, अल्ट्रासाउंड में गेस्टेशनल सैक देखना होता है। आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उनको गेस्टेशनल सैक दिख जाना चाहिए। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 1500 से 2000 तक आ रही है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, और अगर आप वो नहीं करवाना चाहते, तो नॉर्मल एब्डोमन अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। अगर बीटा एसीजी की वैल्यू 4500 से 6000 के बीच में आ रही है, तो
ईजली गैस्ट्रेशनल सैक दिख जाता है, लेकिन अगर वैल्यूज आ गई हैं इतनी और गैस्ट्रेशनल सैक नहीं दिख रहा तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, या केमिकल प्रेगनेंसी है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए लोकल एग्जामिनेशन होता है, हेल्थ हिस्ट्री लेनी होती है, मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इस टेस्ट का कि ये ओनली आपको ये बताएगा कि आपके बॉडी में बीटा एसीजी का हार्मोन कितना है, उसके लेवल के हिसाब से आपको देखना होता है कि वैल्यूज़ कितनी हैं और कब ये डिक्रीज़ हो रही हैं, कब ये अप हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक बोनस और फन फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, रिसेंटली स्टडी हुई थी और पाया गया कि कंसेप्शन डे, मैंने आपको बताया ना कि 8 से 11 दिन पर हम लोग एससीजी को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो स्टडी में पाया गया कि जिन फीमेल्स की एससीजी की वैल्यू थोड़ा लेट इंक्रीज हुई है, मतलब 18वें दिन, 20वें दिन, सो ऑन, लेट पता लगा है, और उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस ये हुए कि उनको मेल बेबी हुआ, ठीक है। ऐसे ही जिनकी एसीजी की वैल्यू जल्दी ही पता लग गई, मतलब 7वें दिन, 8वें दिन पता लग गई, तो उनको फीमेल बेबी हुई। ऐसे ही जो डॉक्टर ने आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताई है अल्ट्रासाउंड में, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के थोड़ा लेट हुई, ठीक है, जिनकी डिलीवरी थोड़ा लेट होती है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं फीमेल बेबी होने के, क्योंकि फीमेल की बॉडी में ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं मेल बेबी के कंपैरिजन में। फीमेल में यूट्रस, ओवरीज होती हैं, ग्लैंड बनते हैं, इसलिए उनकी डिलीवरी जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेल की जो डिलीवरी है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रहता, जो टाइम डिफरेंस है वो 7 से 14 दिन तक का ही होता है, ठीक है। अब मेरे पास ना दो रिपोर्ट पड़ी है गाइस, और वो मैं आपको देखना बता देता हूँ। थायरोकेयर की है एक रिपोर्ट, उसमें आप मुझे बताना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये एचसीजी का टेस्ट है और ये इसकी वैल्यू है, तो मुझे कमेंट में बताना कि जो हमने टेस्ट दिखाया है आपको थायरोकेयर का, उसमें एचसीजी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसे ही एक पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, जो कि हर कहीं अगर आप करवाएंगे तो आपको ये मिलेगी, बीटा एचसीजी की वैल्यू यहाँ पर आपको 30 दिख रही है, तो आप मुझे बताना कि ये टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो, और टाइम बहुत हो चुका है, रात के 2 बज चुके हैं, और अभी आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।